हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी, बहुत टेस्टी कैफे स्टाइल, और दो तरीकों से हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंगो मिल्कशेक बनाने के लिए हमें चाहिए मैंगो यानी आम। यहाँ पर मैं हापुस यानी अल्फोंजो आम यूज कर रही हूँ। ये आम बहुत ही टेस्टी होते हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो आप जो भी आम यूज करें, अगर वो बहुत अच्छा फ्लेवर वाला है, मीठा है और उसमें थोड़ी सी खटास भी है, तो वो मिल्कशेक के लिए एकदम परफेक्ट होगा। पर अगर आम में ज्यादा स्वाद नहीं है, मतलब आप किसी और टाइप का भी यूज कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा स्वाद नहीं है, ना मिठास है, ना वो बिल्कुल भी खट्टा है, तो आपका जो मैंगो मिल्कशेक है ना, ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एक आम, मतलब आम का अच्छा होना अच्छे मैंगो मिल्कशेक बनने में बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। तो अच्छा वाला आम यूज करें। हमें चाहिए 1.5 कप आम का पल्प। आम के साइज के हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ, कभी बड़ा आम हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो 1.5 कप हमें आम का पल्प चाहिए इस रेसिपी के लिए। 1.5 कप मैंगो पल्प हमें चाहिए, तो इसे आप डाल दें मिक्सर ग्राइंडर में। यहाँ पर मैं 1/2 कप जो मेजरिंग कप वाला आता है वो यूज कर रही हूँ। फिर डालें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी जल्दी घुल जाती है और इसे अच्छे से पीस लें। हम बिना बाकी की चीजें डाले इसे इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ये वाला आम का रस या मैंगो का पल्प चाहिए। तो लगभग 1/4 कप इसमें से निकाल लें और बचे हुए में डालें 2 कप दूध। दूध जैसे हम घर में नॉर्मली उबालते हैं फिर ठंडा होने देते हैं, वैसे मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, एकदम ठंडा दूध यूज करें। फिर डालें 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। 3 टेबलस्पून डालें और फिर आप चख के आपका आम कितना मीठा है उसके हिसाब से और भी डाल सकते हैं अगर जरूरत हो तो। अच्छे से इसे मिला लें। आप चाहे तो बर्फ के क्यूब्स डाल सकते हैं, पर उससे जो है थोड़ा सा पतला हो सकता है मैंगो शेक, तो ठंडा दूध यूज करें। आखिर में गार्निश करें थोड़े से बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी से। मैंगो शेक का कलर भी नेचुरली बहुत अच्छा आया है और ये एकदम कैफे स्टाइल बना है, बहुत ही टेस्टी। मैंगो मिल्कशेक या फिर आम का जो रस होता है, इसे ज्यादा देर ना रखें, थोड़ी देर आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ज्यादा देर फ्रिज में रख के पियेंगे तो स्वाद बदल सकता है, इसीलिए ताजा बनाएं और इसे तुरंत पी लें। अब सर्व करते हैं मैंगो मस्तानी की तरह। तो थोड़ा सा पल्प आप ग्लास में डाल लें जो हमने साइड में रखा हुआ था, लगभग 1/4 कप, और फिर डालें मैंगो मिल्कशेक। उसके बाद आप बीच में थोड़ा सा और ये जो मैंगो का पल्प है वो लगा लें, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो साइड्स पे लगाएं, थोड़ा सा बीच में डाल लें और उसके बाद ऊपर से मैंगो मिल्कशेक। आखिर में डालें 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम का। वेनिला आइसक्रीम मैंगो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और आखिर में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। और ये हमारा सेकेंड टाइप जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, मतलब रेगुलर वाला जो मैंगो मिल्कशेक है वो तो अच्छा लगता ही है, ये और ज्यादा टेस्टी लगता है। इस रेसिपी से आप 2 बड़े ग्लास या फिर 3 मीडियम साइज के ग्लास बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड एंजॉय।